There's two sides to the coin: that It was one of the blackest days for, I think, uh, global justice system on humanity, Joe 25th But at the same time, it gives me a ray of hope when I look at Yasin, when I look at his you know, he, he has never feared before anybody. He's completely fearless. So it gives me a lot of uh, support, it raises my morale, and I feel blessed. द दो मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया है विद सच एन आइकॉनिक लीडर आई आई फील आई एम द लक्स्ट वुमन ऑन दिस अर्थ टू हैव एम नॉट जस्ट एज़ माई हजबेंड नॉट जस्ट एज़ माई लीडर ही इज़ द लव एंड द सोल ऑफ माई लाइफ तो मैं तो हार नहीं मानूंगी ना मेरी बेटी मानेगी ना कोई कश्मीरी मानेगा अब मैं समझती हूँ कि एक रीबर्थ हुआ है यासीन साहब का भी उनकी स्ट्रगल का भी और उनके नैरेटिव का भी और इन ताला हम कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है ह्यूमनली पॉसिबल क्योंकि सब अल्लाह के हाथ में है सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन आखिरी बार आपकी बात उनसे कब हुई थी और उनकी बेटी की आखिरी बार उनसे बात कब हुई माई टेंथ वेडिंग एनिवर्सरी मतलब हर फैमिली हर कपल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है एंड वी वैड अ लव मैरिज बहुत प्यार मोहब्बत है हमारे बीच में और यू नो द वेरी रोमांटिक सॉर्ट तो इतने हम खुश थे मैं इधर थी वो उधर थे और उन्होंने वहाँ पे केक काटा और मगर थोड़ी देर के बाद ही शुक्र है नेट ऑन था उस वक्त उधर ब्लैकआउट नहीं हुआ था तो यासिन साहब की कॉल आई व्हाट्सएप के ऊपर और उन्होंने कहा कि मैं आ, बात करना चाहता हूँ रज़िया से बिना आपसे मैंने कहा क्या हुआ खैरियत है सो ही सेट के यू you नो know, मुझे वो आ गए लेने के लिए उन दिनों में इलेक्शन कैंपेन चल रही थी 2019 थाउजेंड की बात है इंडिया में तो ये आगे हैं मुझे लेने और मैं अब जा रहा हूँ मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं कहते आई डोंट नो मुझे कुछ पता नहीं है तो देनी सेट मुझे रज़िया से बात करा दो तो रज़िया से बात की तो फिर वो बच्चे ज़्यादा क्यूरियस होते पापा वेयर आर यू गोइंग टेल मी तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ तो रज़िया ने ज़्यादा अप्रोप किया रजिया सुल्ताना ने तो ही सेट मैं बहुत दूर जा रहा हूँ और स्पीकर पे था ना फ़ोन तो उनकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक हुई तो बस वो मुझे ना अक्सर हॉन्ट करती है वो आवाज़ उनकी कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ इस वक्त आपका इंडिया में क्या किसी से रबता है क्या आप लोग आगे फर्दर जो लीगल प्रोसेस है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस को अप्रोच करेंगे और जिन्होंने आर्म स्ट्रगल स्टार्ट की फाउंडर थे और फिर उन्होंने इसको रिनाउंस किया जब इंटरनेशनल वर्ल्ड ने इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स ने थिंक टैंक्स ने आके जेलों में उनको कन्विंस किया कि आप परामन तहरीक चलाएं जिस तरह गांधी ने चलाई जिस तरह भगत सिंह फ्रीडम के जो लोग हैं स्पेशली गांधी तो वो फिर उन्होंने जब वो प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस फॉलो किए तो अब उनको अब तक 28 एट हो गए उस बात को उसके बाद से लेकर अब तक उनके ऊपर बहुत से जेल्स बहुत से मुकदमे हुए मारपीट अगर हम जैसे लोगों को टेररिस्ट बना दिया जाए एलिमिनेट कर दिया जाए लीडरलेस कर दिया जाए मूवमेंट को हमारी तो व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू द कश्मीरी पब्लिक जब भी इनको ऑनलाइन प्रेजेंट किया गया है तो जब ये बोलने लगते हैं अपने दलाइल पेश करने लगते हैं तो इनको म्यूट कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये जजमेंट डिक्टेटेड थी अगर हम अपील में जाते भी अगर यासीन साहब मानते हैं ट्रस्ट डेफिसिट एक्सट्रीम पर है मेरा वहाँ जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने हस्बैंड के लिए और मुझे वहाँ पे सेफली सिक्योरली उनसे मिलवाया एक्सेस दी जाए ताकि मैं उनसे बात करूँ उनकी इस वक्त वो इतने कर्ब में हैं उनको फैमिली चाहिए उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्होंने अगर मुझसे कोई बात रिगार्डिंग द केस करनी है जो मैं बाहर जाके कोई उनकी चॉइस का कोई काउंसिल सेलेक्ट करूँ या कोई उनकी उनकी बिहाफ में मैं वहाँ कोर्ट के अंदर पेश हूँ कुछ तो हो ना कोई तो तरीका हो कि उनको जस्टिस मिले मगर मुझे वहाँ जस्टिस की उम्मीद नहीं है इनका केस तो जाना ही चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिन पहले इमरान खान से ये अपील की थी कि जिस दिन फैसला आ रहा है वो अपना धरना जो है उसको पोस्टपोन कर दें वो उन्होंने नहीं सुना तो ये सारे बैकग्राउंड में आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की स्टेट जो है वो आपके बिहाफ़ पे इसको लेके जाएगी देखिए मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं आती मैंने यही कहा था कि वो कश्मीर के नाम कर दें यासिन फिर उनका बयान भी आ गया था मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो भी आपस में राइट है सब पोलिटिकल पार्टीज़ का चले सारी कॉम इज़ विद मी इसमें कोई शक नहीं और कश्मीर कॉस के साथ दुनिया भर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपने अभी ये बताया कि इंडियन मीडिया हम हमने सुना भी कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिए चार्जेस अब उनके पास कोई लॉयर तो है नहीं उन्होंने काउंसिल नहीं लिया था आपका उनसे रबता तो हुआ नहीं आपको कैसे पता है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए चार्जेस ना कोई वीडियोग्राफिक एविडेंस है जो उन्होंने झूठा जो नैरेटिव चलाया कि ही एस प्लीडेड गिल्टी अगर कोई उनके पास प्रूफ है तो लाएं सामने और वैसे भी अगर कोई प्लीड गिल्टी करे वैसे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया क्योंकि जो को एक्यूज थे इस केस में टेंथ मे को उन सब ने जो वहाँ पे प्रेजेंट थे एज विटनेस कि इन्होंने यासीन साहब ने सिर्फ एक ही कन्फेशन की है जितने भी चार्जेस उन पर लगे उनका क्या है मेरी एक ही कन्फेशन है कि आई एम लीडिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल इन अ पीसफुल पोलिटिकल मैनर फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉज एंड दू एन रेजोल्यूशन सो इफ़ दैट इज़ माई फॉल्ट तो मैं ये जुर्म बार बार करूँगा श्रीनगर में रिएक्शन हुआ इस फैसले का लेकिन थोड़ा माइल्ड है आप किस हद तक मुतमिन हैं श्रीनगर में जो रिएक्शन सामने आया इस फ़ैसले के बाद उससे? कि माइल्ड तो बिल्कुल नहीं हुआ बहुत ज़्यादा हुआ है जब हमारे घर के बाहर बॉम डिस्पोजल स्कॉड्स डाल दिए जाते हैं ड्रोनस हर जगह हैं हर जगह हिंदुस्तान की आर्मी है लोगों को घर से जब बाहर नहीं निकल दिया घर से लोग कुरान मजीद बाहर निकाल के चीखे मार मार के रो रहे हैं पीपल आर स्क्रीमिंग ऑन द रोज वो फुटेज़ तो इंडियन चैनल्स कभी नहीं दिखाएंगे बहुत कम उन्होंने वो फोटेज़ दिखाई हैं मैं तो ख़ुद हम लाल चौक मायसूमा के लोग हैं और वो तो हब है पूरी की पूरी मूवमेंट का पीपल आर एक्सट्रीमली एंग्री इट्स लाइक अ वर्ल्ड कैन नो विल अडॉप्ट If God forbid anything happens to Yasin Sahab.